चुनाव का जो समय चल रहा है वो किसी उत्सव से कम नहीं है। इसी बीच में आप हमारे साथ देख रहे हैं इन बच्चों की दीवानगी। मेरे साथ दो नन्हे बाल मनुहार खड़े हैं। मैं बेटा आपका नाम जानना चाहूँगा। तनुज है मेरा नाम जी। अरमान जोरड। बेटा आपने जो ये हरे रंग की पगड़ी बांधी हुई है, ये दीवानगी आप में कब से चढ़ी हुई है? वही थे जब की है जी। और बेटा आप में? जन्म हुआ जब से। आपने चश्मा नहीं पहना इन लोगों का? चश्मा गिरे रहेगी तेरी बेटा गिरी रहेगी। ब्रेसलेट? देखिए इतनी दीवानगी। हाजिर हरियाणा में आपका स्वागत है। इसी बीच में आप हमारे साथ देख रहे हैं इन बच्चों की दीवानगी। बिल्कुल इनका जो साफा है हरे रंग की, इनका जो साफा है, आइए हम इन बच्चों से बातचीत करते हैं। हम आज आए हैं जनता भवन रोड। जनता भवन रोड के पास ये एक माताजी है जो कि चने भूनने का काम करती है, यानी। तो ये दो मेरे साथ बच्चे हैं, इनके दीवानगी देखिए, इन्होंने हरे रंग का साफा पहना हुआ है। तो इन बच्चों से बातचीत करते हैं। बेटा आपका नाम? तनुज। और बेटा आपका? अरमान जोरड। क्या नाम? अरमान जोरड। अरमान जोरड। तो बेटा ये आपकी दीवानगी कब से है? ओया जद की है जी। अच्छा, तो क्या दीवानगी आपके अंदर है? कि चुटाला साहब जीत जावे और तो पे जी। अच्छा, और बेटा आप क्या चाहते हो? अभय सिंह चौटाला जीते। अभय सिंह चौटाला की आपके प्रति पूरी दीवानगी है? पूरी दीवानगी है। अपना सिरसा सीट से कौन खड़े हैं उम्मीदवार? अभय सिंह। अभय सिंह। तो देखिए ये मेरे साथ दो बच्चे छोटे छोटे हैं, इनकी दीवानगी देखिए। और आज बिल्कुल यहाँ देखिए चुनाव का जो माहौल है वो उत्सव से कम नहीं है। अभी पास में ही भाजपा की एक रैली हुई और अब नेहरू पार्क के अंदर अभय सिंह चौटाला इस जनसभा को संबोधित करेंगे। आप मेरे साथ तमाम शहरवासी देख रहे हैं और ये तमाम दो छोटे बच्चे जिनके अंदर इतनी दीवानगी कि ने हरी रंग की पगड़ी पहनी हुई है। और मेरे साथ जी वरिष्ठ लोग भी हैं, जनमानस हैं, तो इनसे भी जानना चाहेंगे जी आज जो सिरसा के अंदर योगी जी आए हैं तो क्या इससे सिरसा सीट के समीकरण बदलेंगे? नहीं बदल, उसका कोई असर ही नहीं थे। उसका क्या असर है थे? कौन जानता उसनू? कोई जानते नहीं। चटाले वाले तो परिवारक ने इतने, परिवारक लैंकन लोगों के जिमीदार ने। आप मेरे साथ देख रहे थे छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों से जानना चाहेंगे। बेटा आपने चश्मा नहीं पहना, चश्मा भी तो आता है। चश्मा गड़े रहेगी तेरी? चश्मा गड़े रहेगी रहेगी तो वो ब्रेसलेट और यो। नन्हे बाल मुनहार हैं। बेटा आप चाहते हैं कि किसकी आगे सरकार बने? अभी आपका तो वोट भी नहीं बना। चुटा लेगी बनाएगी तो वोट तो बेटा आपका भी बना नहीं। बना तो नहीं है। देखिए इतनी दीवानगी बच्चों के अंदर, हरे रंग की देख रहे हैं, बिल्कुल दोनों बच्चों ने हरे रंग की ये जो पगड़ी बांधी हुई है। और अभी हम खड़े थे नेहरू पार्क की तरफ और एक और मेरे साथ भाई साहब, इन्होंने भी हरे रंग की पगड़ी बांधी हुई है। तो जी क्या लग रहा है सिरसा के समीकरण, आज योगी आदित्यनाथ जी रैली करने आए थे? कुछ नहीं है जी, योगी आदित्यनाथ को बुलाने से ये थोड़ी है भाजपा को वोट आ जाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा गढ़ है इनेलो का, आज से नहीं है ये। आपने देखा है छोटे छोटे बच्चों खून में भी इनेलो रचा हुआ है। कुछ नहीं है, अभी चौधरी अभय सिंह जी यहाँ ये जनसभा को संबोधित करेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छा माहौल है और एक अच्छा चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। संदीप जी लोट एक अच्छा चुनाव जीतने जा रहे हैं जी। आप मेरे साथ देख रहे थे, हम जनता भवन रोड में खड़े हैं और जनता भवन रोड के बिल्कुल किनारे पे एक भुट्टा लगाती हुई माता है। बहुत सालों से ये भुट्टा भी लगाते हैं, चने भूनते हैं और अन्य मूँगफलियों के बीज, मूँगफलियाँ भी भूनते हैं। और इसी के बीच हम इन छोटे दो नन्हे बाल मुनारों से बातचीत की कि इनके प्रति क्या दीवानगी है।